उसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत पे रखी। कोई उन्होंने पैसा बाहर से नहीं लेके आया, उन्होंने कोई जदीद हथियार नहीं ढूंढे, उन्होंने इंसानों के किरदार को उठाया। तो नौजवानों ये याद रखना, कौम तब उठती है जब एक कौम अपना किरदार ठीक करती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। जब एक कौम अपने आप को तब्दील करती है, जिस कौम के लीडर सादिक और अमीन होते हैं, इंसाफ करने वाले, सच बोलने वाले, वो कौम फिर एक अजीम कौम बनती है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी पाकिस्तान की असेंबली ने एक कानून पास किया है, ये सुने जरा, कि हमारी असेंबली ने कानून पास किया है कि एक आदमी जो चोरी करे, एक आदमी जो झूठ बोले अदालत के सामने, असेंबली के सामने, एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली कागज दे, जो चोरी करके इस कौम का पैसा मुल्क से बाहर लेके जाए, वो एक पार्टी का सरबरा बन सकता है। बुरेर के लोगों सोचो इसको कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था,